तू चांद सी है मगर तेरा नूर चांद से नहीं, तू मैं सिर्फ अपने पन के लिए कह रहा हूँ वरना आप कहूँगा मैं, तू चांद सी है मगर तेरा नूर चांद से नहीं, तेरी बुलंदी मिट्टी से है मगरूर आसमान से नहीं, तेरे चर्चे महज महफिलों की नहीं शान, तेरे चर्चे महज महफिलों की नहीं शान, तेरे किस्से फूंक रहे जर्द हौसलों में जान, तेरे किस्से फूंक रहे जर्द यानी पेल पड़ जाना कमजोर पड़ जाना, तेरे किस्से फूंक रहे जर्द हौसलों में जान, तेरे चेहरे का नूर तेरी रूह का जमाल है, मतलब उसकी उसकी ब्यूटी है, तेरे चेहरे का नूर तेरी रूह का जमाल है, तू औरत की शक्ल में कमाल ही कमाल है। थैंक यू सो मच। जब आप जाएं तो मुझे वापस कहना हाथ देने के लिए, मतलब आई कैन स्टिल स्मेल योर परफ्यूम, इट्स रियली नाइस। एनीवेज थैंक यू सो मच। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द ग्रुप और द कंपनी? फर्स्ट ऑफ ऑल जहे नसीब, छा गए आप। थैंक यू सो मच। क्या खुद लिखा है सच्ची में? जी मैं खुद रोज लिखता हूँ क्योंकि मैं आरजे हूँ, थोड़ी सी मेरी यही तारीफ है कि मैं एक आरजे हूँ और रोज पोइट्री लिखनी पड़ती है मुझे वरना मैं अपना पेट नहीं भर पाऊँगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप। या अच्छा, इससे पहले सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, बट वी हैव ए वी ऑल्सो। हाँ, लेट्स गो थ्रू द ए वी एंड देन आपको फुर्सत से इत्मीनान से हम सुनेंगे। Good evening, ladies and gentlemen, members of the press, the loudest presence in the room always, and very, very dear to me. It's a huge honor for me on many levels to be here this afternoon. Thank you very much to the entire family of the Sanghvi Group sitting here on the dais, 3 generations of the Sanghvi family. Who thought of me to come and unveil their newest logo of a company that they have held firmly and in great belief together for 35 long celebrated years. Thank you very much for having me. Unhone jab mujhse kaha ke they're launching their CSR initiative for the very first time in 35 years and they're beginning with a cause that is very dear to a lot of us. For all the women who believe in the future to be bright and beautiful and hopeful, and for men who want and wish that for their daughters, and for women at large in the social structure that we live in. Hamare liye ye bahut badi baat hai ki main aapko ek choti si kahani sunaungi jo mere liye bahut ek bachpan ki yaad hai. Say I cherish a lot and that has relevance today. My father served the Indian Air Force as Wing Commander Subir Sen, retired now, for 26 years before taking a premature retirement. Us dauran main India ke kai chote chote shaharon mein padi bali hui hoon. I've been to Jorhat, Nagpur, Shillong, Darjeeling. Jahan jahan papa ki posting hoti thi har 3 saal mein hum log wahan jaate the. गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ क्योंकि वही स्कूल मिलते थे हर जगह, तो केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादातर पढ़ाई हुई है मेरी. जब हमारे देश में ये नियम शुरू हुआ कि जैसे आप कह रही थी अबाउट द नेशनल एंथम, हमारे थिएटर्स में उस वक्त नेशनल एंथम नहीं बजाए जाते थे फिल्म से पहले, लेकिन मैं जिस घर में और जिस अपब्रिंगिंग में बड़ी हुई हूँ वहाँ पर नेशनल एंथम चाहे अपने देश का हो या किसी और देश का हो, जो अपनी माँ की इज्जत करते हैं वो औरों की माँ की भी इज्जत करते हैं. वी वर मेड टू स्टैंड अप, सावधान, नो फिजिटिंग, नो नथिंग, बिकॉज दिस इज हाउ यू रिकॉग्नाइज द प्राइड यू हैव इन योर कंट्री. सो डिफेंस बैकग्राउंड
हमें बचपन से ये सिखाते हुए आया है कि हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा देश है. फिर आपका लास्ट नेम क्या है, कौन से शहर में पैदा हुए, बैकग्राउंड क्या है, आपके पास क्या नहीं क्या है, ये सब बहुत बहुत बात की बात है. सो आई ग्रू अप इन दैट फैमिली. उस दौरान हम एयरफोर्स कैंप्स में रहते थे. आपको पता होगा बहुत बड़े बड़े कैंप्स होते हैं जो कि अब आपको पता चलेगा इवन फॉर ऑल डिफेंस सर्विसेज, नेवल, एयरफोर्स, आर्मी, ऑल ऑफ देम हैव इट. तो वहाँ पे हर कोई अंकल आंटी थे, मिस्टर एंड मिसेस कोई नहीं था. तो हमसे ये कहा जाता था बचपन में कि जब आप इस गेट से बाहर जाएंगे तो बाहर सिविलियंस रहते हैं, जैसे यू नो ये कुछ अलग ही है बाहर, और इस गेट के अंदर आर ऑल ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज, और हम सब बहुत सेफ हैं. आज इस फंक्शन पर आकर मुझे बहुत गर्व है कि जिसे हम सिविलियंस कहते थे गेट के बाहर, वो लोग डिफेंस फोर्सेस के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं. वेरी नाइस सर. इट इज़ माई ऑनर एंड माई प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस द मोस्ट इंस्पायरिंग लेडी, अ लेडी हु said such lovely things about me just now, but I'll tell her why she's a far greater inspiration. Yes, I'm talking about Lieutenant, I love saying it, Swati Mahadik, who's with us today. There's the love of your country, there's the love of your man. There is so much romance in that. There's the love of your children, there's the love of your own self. What makes me so proud of her? That she embodies all of it. Har kisi ki life mein kahin na kahin there is a sense of loss. We all face it. But some of that loss takes away from us. And sometimes a loss makes us 100 times more powerful version of ourselves. Can you imagine? She decided to join the army at the age of 37, give it up, ladies and gentlemen, amazing. She lost her husband, also a colonel in the in army, fighting the terrorists in Kashmir. She has two children, and if I pronounce their names wrong, you have to teach me. Kartiki, yes? How am I doing? Swaraj, excellent. Young kids, when she talks about oh, you're here. Hi. Say hi. Swaraj, khade ho jao. Turn around. Give him a huge round of applause. Dono ke naam bahut pyare hain. Hi. And a celebrated officer of the Indian Army, her husband. What does she do? Her husband loved the uniform. He loved serving our country. She goes back to OTA, Officers Training Academy, puts in a grueling session of training, and comes back commissioned as an officer of the Indian Army. Ladies and gentlemen, not only did she do that all by herself, she talks about main akeli maa hokar do bachchon ko kaise palungi. Wo unhone to bahut hi aasan kar diya. Unhone na sirf wo zimmedari le li, unhone apne desh ki zimmedari li. It's a very big thing, huge thing. You inspire me, lady. You inspire me. I am very, very privileged that I get to be on a dais like this, which celebrates patriotism. It celebrates honoring the defense forces, because that's where I come from. For me, this is very, very personal. It celebrates people who have large hearts. And sir, your 18 million square feet of space that you've given to people, I think aapka dil usse kahin zyada bada hai. And that is very important.
You guys, keep this support coming towards the defense forces, towards the CSR initiative, wherein the Sanghvi group is going to be educating 5 girls. Yes, this year alone, 5 girls to be educated via their foundation. And these are all kids coming from homes and families of martyred soldiers. This is spectacular, because through their caption, yes, it is, you should applaud it. Through their caption, they have mentioned, "Kya kar legi padke?" That has been the mindset of generations of people. Well, I'm going to simplify it. Pehle padha lijiye, phir dekh lijiye kya kya kar sakti hai. Thank you very much, members of the press, all of you, for this wonderful honor. Thank you, Swati, for being such a fantastic example to women, to our country, to your 2 beautiful children. You should be very proud of your mother. She is a form of Durga. She's amazing. Thank you, ladies and gentlemen. Wonderful, wonderful talking to you. Yeah, beat you.